राजस्थान की सियासत में बगावत के बाद सचिन पायलट जयपुर वापस आए। सचिन को जयपुर लौटे करीब 10 दिन हो चुके हैं। 11 अगस्त की शाम 5:30 बजे सचिन पायलट जयपुर पहुंचे। इसके बाद प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान का अंत हुआ। 10 दिनों में सचिन पायलट राजस्थान सरकार में एक्टिव हो चुके हैं। लोगों का उनसे मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली से आने के बाद जहां शुरुआत में पायलट गुट थोड़ा नाराज दिखा, वहीं अब कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रदेश महासचिव बदलने और 3 सदस्यीय कमेटी बनने की खुशी भी साफ नजर आ रही है। आपको बता दें, अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को राजस्थान प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जिस पर सचिन पायलट बधाई देने दिल्ली खुद भी पहुंचे। दिल्ली से आने के बाद 10 दिनों में सचिन से मिलने कई नेता, कई कार्यकर्ता रोज उनके घर पर पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट जो बड़े बड़े बयान देते हैं, उन्हीं बयानों की जानकारी आपको देते हुए बता दें, पायलट का कहना है, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, सभी के साथ समय व्यतीत करके मेरा दिल अभिभूत हो गया है। 10 दिनों में सचिन कांग्रेस के साथ खड़े भी दिखाई दिए। अपने साथी विधायकों के साथ कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहुंचे, विधानसभा सत्र में शामिल हुए, अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक का दौरा करने पहुंचे। विधानसभा में राजस्थान सरकार का बचाव करते हुए सचिन पायलट नजर आए। सचिन पायलट ने कहा, मेरी सीट में बदलाव किया गया है। पहले जब मैं बैठता था सुरक्षित और सरकार का हिस्सा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, इसलिए मुझे सरहद पर सरकार की रक्षा करने के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, कुछ तस्वीरें आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। ये तस्वीरें सचिन पायलट की घर वापसी के बाद किस तरीके से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, किस तरीके से हर रोज कार्यकर्ता उनका सम्मान करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसी का सबूत देती हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।